students, welcome to you, CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 2 of economics, class 9, और lesson का नाम है संसाधन के रूप में लोग. संसाधन के रूप में लोग किस तरह से एक महत्व रखते हैं, किस तरह से एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हमारे लिए एक उपयोगी संसाधन बन जाते हैं. शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं भी उनमें शामिल है कि शिक्षित महिलाएं किस तरह से एक संसाधन के रूप में काम करती हैं और देश का एक समाज का विकास करती हैं, उसी तरह से अशिक्षित महिलाएं किस तरह से जो दैनिक जीवनचर्या है उसको प्रभावित करती हैं, किस तरह से उनका सहयोग उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि शिक्षित महिलाओं का होता है. तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं की कार्यशील दशाओं में अंतर. यानी कि जहां पर भी महिलाएं काम करती हैं वहां पर हर जगह पे दोनों तरह की महिलाएं होती हैं. शिक्षित क्षेत्र में जो पढ़ी लिखी हैं, कंपनी में काम करती हैं, किसी इंस्टीट्यूट में करती हैं, कोचिंग सेंटर में करती हैं, स्कूल में करें, बैंक में करें या किसी और संस्थान में करें. और अशिक्षित महिलाएं या तो किसी खेत में काम करेंगी या स्कूल वगैरह में भी करेंगी तो बिल्कुल निचले उस पे स्टेप पे करेंगी, घरों में करेंगी या झाड़ू पोछे बर्तन का काम करेंगी. तो किस तरह से उनकी कार्यशील की दशा में काम करने के जो स्थितियां उसमें किस तरह से अंतर, दोनों की स्थितियां किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, कहने का तात्पर्य ये है. जो शिक्षित महिलाएं हैं पहले हम उनका वर्णन करते हैं. शिक्षित महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलता है जहां भी वो काम करेंगी, चाहे वो किसी भी शिक्षित जगह पर काम करती हैं, बैंक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है और आपके जो स्कूल है या कोई कमेटी है, कोई भी ऑफिस ले लीजिए आप, उसमें कोई कंपनी है, वहां पर जब भी वो जहां भी काम करेंगी तो जिस पोस्ट पर वो काम कर रही है उन्हें पुरुषों के समान वेतन मिलेगा. उनके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी क्योंकि उनकी एजुकेशन उस सीट को कवर कर रही है, वो उसके लायक हैं, डिजर्व करते हैं, इसलिए उन्हें उतनी सैलरी दी जाती है. लेकिन इसके विपरीत जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर महिलाएं अशिक्षित है और काम करती हैं, उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता है, उनके काम को कई बार आंका भी नहीं जाता है. जैसे कि वो खेतों में काम करें, किसी के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का करें या जो सिलाई का काम है या किसी बुटीक पे करती हैं, ऐसा काम जो है उनका वो दिखाई नहीं देता है. उसकी आय ना तो किसी राष्ट्रीय आय में जुड़ती है, बस गुजारे के लायक आय मिलती है उन्हें और कोई पुरुषों के समान उन्हें कहीं भी वेतन नहीं दिया जाता, क्योंकि काम ही इस तरह का है तो उसमें जो मिल जाता है वो उसमें में संतुष्ट हो जाती हैं. दूसरा, शिक्षित महिलाओं को संगठित क्षेत्रों में काम के अवसर अधिक मिलते हैं या वो क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर मान्यता मिली हुई होगी तो वहां भी उन्हें फायदा होता है. उन्हें संगठित क्षेत्र में काम करके सारी जो भी छुट्टियां वैलिड होती है वो मिलती हैं, जैसे मैटरनिटी लीव हो गई, सिक लीव हो गई या कोई भी उनकी जो छुट्टियां निर्धारित की गई हैं वो उन्हें उनका लाभ मिलता है और इसके साथ उनका वेतन भी नहीं कटता है. उनको सुविधाएं भी मिलती है, आवास की, मेडिकल सुविधाएं या उनकी पीएफ फंड की, इस तरह की उनको संगठित क्षेत्र में काम करने से लाभ मिलता है. लेकिन शिक्षित महिलाएं संगठित क्षेत्रों से नहीं जुड़ी होती इसलिए उनके वेतन के साथ साथ उनके काम की जो स्थितियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं. उन्हें ना कोई छुट्टी का लाभ मिलता है, ना ही कोई उनके वेतन में बढ़ोतरी होती है, ना ही कोई उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है. इसके अलावा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है क्योंकि दूसरा और तीसरा क्षेत्र ऐसा है जो सेवा क्षेत्र से और उद्योग क्षेत्र से, रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर अधिकतर महिलाएं काम करती हैं जिसमें शिक्षित भी है अशिक्षित भी है. देखिए एक ही कंपनी में जब शिक्षित महिला जाती है तो किसी अच्छी पोस्ट पर, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या एमटेक करके वो कहीं भी जाती हैं या किसी भी अच्छी फील्ड, कोई अच्छा कोर्स किया हुआ होता है तो उसको वेतन उसी के हिसाब से मिलेगा. लेकिन उसी कंपनी में
अशिक्षित महिला भी जाती हैं तो वो वर्कर्स में लगती हैं। निचले तबके के जो भी काम होते हैं, सफाई हो गई या पैकिंग का काम हो गया, तो उनके वेतन में भी फर्क आ जाता है। हाँ, रोजगार उनका थोड़ा सा निश्चित हो जाता है कि आए समय पर मिलेगी। ऐसे तृतीय क्षेत्र पे जिसमें सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी अधिकतर महिलाएं नियोजित होती हैं। जो शिक्षित होती हैं उनको आय के साथ साथ अन्य सुविधाओं के लाभ मिलते हैं, जो अशिक्षित होती हैं उन्हें लाभ तो मिलते हैं लेकिन वेतन में उनके उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है। कई बार क्या होता है कि ऐसा देखने में आता है या हमारा समाज ऐसा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में साक्षरता दर कम है। साक्षरता का मतलब है पढ़ी लिखी कम है। पहले महिलाओं का रेशो ज्यादा था, 1000 पुरुषों के ऊपर कुछ 900 के लगभग थी। अब उसको बराबर लाया गया तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पीछा कर गई। ज्यादा उनकी शिक्षा पुरुषों के बराबर नहीं है, उसके क्या कारण है? देखिए, लड़कियों के प्रति माता पिता की भी सोच नकारात्मक होती है, जो बड़े बुजुर्ग फैमिली में होते हैं उनकी, कि लड़कियों को अधिक नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि पढ़ाएंगे पेरेंट्स, शादी के बाद लाभ मिलेगा ससुराल वालों को, तो इतना पैसा उन पर ना लगाकर उनके भाई है पुरुषों पर लगाया जाए ताकि वो यहीं रहते हुए एक सॉलिड पोजीशन को, एक अच्छी अचीवमेंट को, एक अच्छे वेतन को ग्रहण करें और परिवार में सुख सुविधाएं भरें और परिवार का सहयोग करें। लेकिन महिलाओं के मामले में बस उसे गुजारे लायक पढ़ाया जाता है ताकि वो बस अपने लायक थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर सके, पढ़ना लिखना जान सके, किसी से व्यवहारिकता में आ सके, लेकिन उसकी उच्च शिक्षा को रोक दिया जाता है। ऐसी क्यों? क्योंकि हमारे समाज की जो नकारात्मक मनोवृत्ति है उसके कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, और जिसका परिणाम क्या होता है कि लड़कियां जो उनकी शिक्षा है वो निम्न स्तर की रह जाती है। उसके बाद लिंग असमानता, लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है कि पुरुष जो है उनको घर वाले हर तरह की सुविधा देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में, यहाँ तक कि उनको शहर से बाहर भी पढ़ने के लिए भेजा जाता है, उनसे पूरा पैसा लगा जाता है। लेकिन लड़कियों की जो शिक्षा होती है उसको सोचते हैं कि आसपास के किसी स्कूल कॉलेज से करा दी जाए ताकि एजुकेशन बढ़ जाए और ज्यादा उसको उच्च शिक्षा पर से वंचित रख दिया जाता है। इसके कारण ये क्यों होता है? क्योंकि ये भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त है, हमारे समाज की मनोवृत्ति ऐसी है। उसके बाद अपर्याप्त स्कूली सुविधाएं, जो गांव में है वो स्कूल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, है तो वहां पर सुविधाएं नहीं है, कभी स्टाफ फैकल्टी नहीं होती है, कभी सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते हैं, कभी उनकी जो लैब है, जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सही नहीं होती हैं, तो लड़कियां बेचारी अपना टाइम पास करने के लिए ऐसे स्कूलों से पढ़ लेती हैं। शिक्षा नाम मात्र की आ जाती है लेकिन नॉलेज नहीं गेन कर पाती है। अब पर्याप्त स्कूली सुविधाओं के कारण उनकी इस तरह से स्कूलों की पर्याप्त सुविधाएं ना मिलने के कारण पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्कूल पास में है हम वहां भेजें, क्योंकि लड़कियों की जो सेफ्टी है उसको देखते हुए भी उनको दूर नहीं भेजा जा सकता। आज का माहौल इस तरह का है कि पेरेंट्स उनकी सुरक्षा को लेकर भयभीत है, वो उन्हें दूर के स्कूलों में, दूर के कॉलेजों में या दूसरे शहर में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। कुछ सामान्य संकीर्ण धारणाएं होती है, कुछ आज का माहौल ऐसा है तो भी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती है। इसके लिए सरकार को कुछ उचित कदम उठाने चाहिए। धन की कमी, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता जिसके कारण वो अगर एक लड़का एक लड़की है तो लड़के पर पैसा लगाना उचित समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़का बाहर जाकर भी पढ़ सकता है, परिवार में एक आदमी मजबूत हो जाएगा, पूरे परिवार को निकाल दिया जाएगा। लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा कम सोचा जाता है क्योंकि उसकी शिक्षा पर खर्च करने के बाद उसका लाभ ससुराल वालों को मिलता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज पेरेंट्स जागरूक हो गए, वो लड़के और लड़कियों की शिक्षा पर समान खर्च करते हैं, बल्कि कई घरों में तो ऐसा देखा गया है कि लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि लड़कियों को दूसरे घर जाना है, उनकी शिक्षा को हम सोलिड कर देंगे, उन्हें एक मजबूत आधार दे देंगे जिसके सहारे वो स्टैंड हो सकती है तो कभी भी जीवन में पिछड़ नहीं सकती है, हर स्थिति का मुकाबला वो आराम से कर सकती है। अब गरीबी के कारण भी कुछ लड़कियां नहीं पढ़ पाती है, छोटे मोटे काम कर लेती हैं या किसी मजदूरी बेरोजगारी होने के कारण कहीं उन्हें व्यवसाय किसी नौकरी पे ऐसे लग जाना पड़ता है कि परिवार के लिए वो थोड़ी बहुत रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके।
गरीबी एक सबसे बड़ा कारण होती है शिक्षा को रोकने के लिए, क्योंकि जहां भी जाएंगे फीस देनी पड़ती है और फीस ना होने की वजह से लड़कियों की शिक्षा रोक दी जाती है। उसके बाद शिक्षित बेरोजगार है, इस तरह से समाज में पढ़ लिखने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि कुछ लड़कियां पढ़ने के बाद कमाने के लिए दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें आसपास के किसी ऐसी जगह पर काम करना पड़ता है, बेसिक वेतन कम मिल जाए लेकिन सुरक्षा की एक गारंटी होने के साथ वो वहां पर आराम से काम कर सकती हैं। लेकिन आज सुरक्षा की गारंटी कहीं भी नहीं है, खुद को सशक्त रखना पड़ता है, खुद को सॉलिड रखना पड़ता है। उसके बाद जो लड़के लोग हैं पुरुष हैं, ये भी पढ़ने के बाद जरूरी नहीं है कि इन्हें मन इच्छित नौकरी मिल जाए, जिस हिसाब से इन्होंने एजुकेशन ली उसके अकॉर्डिंग इनको काम मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल कई बार नहीं होता है। डिग्रियां ऊंची ले लेते हैं और छोटी पोस्ट पर काम करना पड़ता है, क्योंकि काम ना होने की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता है, जिससे कुछ बच्चे तो काम पर जाते नहीं है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता, पढ़ लिख कर वो बैठे रहते हैं, काम की तलाश करते रहते हैं, जिससे देश में बेरोजगारी व्याप्त हो रही है। महिलाएं निम्न वेतन वाले कार्यों में संलग्नित हो जाती हैं कि जो भी मिल रहा है चलो थोड़ा बहुत, हालांकि अच्छे कोर्स करने के बाद भी जब उन्हें पूर्ण सैलरी नहीं मिलती तो खाली बैठने से अच्छा सोचते जो मिल रहा है उसमें काम करें। तो इससे क्या होता है, उनका जो काम है उसके अकॉर्डिंग सैलरी ना मिलना उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनकी जो मानसिकता है उसको भी डाउन करती है। तो इस तरह से काम के अनुसार वेतन मिले और हर एक महिला को जागरूक किया जाए, उसकी शिक्षा को बढ़ाया जाए, उसे ये अधिकार है उसका, उसको दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी एक अच्छी छवि के साथ, अपनी एक मजबूती के साथ समाज में उठकर खड़ी हो सके। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य के व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति ही कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकता है। अगर उसका कार्य उसकी स्वास्थ्य के कारण बार बार बाधित होता है, देखो एक स्वस्थ व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होने के कारण रूटीन से काम करेगा, मॉर्निंग वॉक करेगा, ऑफिस में जाकर मन लगाकर काम करेगा, काम की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उसका दिमाग उसी हिसाब से चलेगा और छुट्टियां उसको कम लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई बीमार व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य बार बार खराब होता है, उसको हॉस्पिटल जाने के लिए या उसको हॉस्पिटलाइज होने के लिए बार बार छुट्टियां लेनी पड़ती है, जिससे उसका काम सफर होता है, फिर वो काम उसको डबल करना पड़ता है, जो स्वस्थ नहीं है वो उस काम को कैसे करेगा। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कर्मचारी को ना तो कोई कंपनी रख के खुश, ना कोई संस्था रख के खुश, तो उससे उसकी आय के साधन भी बंद हो जाएंगे, उससे उसका परिवार भी इफेक्टेड होता है। जब आय नहीं आएगी तो वो घर कैसे चलेगा, परिवार पालने वाला व्यक्ति ही बीमार हो जाता है तो परिवार नहीं चल पाता है। तो इस तरह से स्वास्थ्य की हमारे जीवन में बहुत भूमिका है। एक अगर हमें थोड़ी सी भी कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है हमारे शरीर में तो हमें तुरंत उसका इलाज करवाना चाहिए, सचेत होना चाहिए, ताकि एक बार इलाज होने के बाद हम पूरी तरह से परफेक्ट होने के बाद अपने काम पर जा सके, नहीं तो बार बार हमें छुट्टियां लेनी पड़ेगी, काम हमारा सफर होगा, जिसकी वजह से सीखने की और स्मरण शक्ति में हमारे रुकावट आएगी, उतनी हमारी आदत ठीक नहीं रहेगी, बार बार हमारा ध्यान अपनी बीमारी की तरफ जाएगा, हमारी जो सीखने का काम करने की एक ललक होती है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, क्योंकि जब शरीर ठीक नहीं है तो काम करने के लायक नहीं रहता, और ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम पर रखकर खुश नहीं है। तो स्वस्थ व्यक्ति ही देश का कल्याण कर सकता है, समाज का कल्याण कर सकता है। उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति ही देश के लिए सहयोगी साबित हो सकता है, जब वो स्वस्थ है, आय कमाने के लायक है, उसकी वृद्धि होगी तो अपने परिवार को खुश रखेगा, साथ अपने आय में बढ़ोतरी करेगा, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, घर परिवार में सुख शांति होगी, सुख समृद्धि होगी, वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए कहीं ले जा सकता है, उनकी सुख सुविधाओं के लिए बेहतर साधन जुटा सकता है, अगर वो स्वस्थ है तो। अगर उसका स्वास्थ्य खुद का ही ठीक नहीं है तो पूरा परिवार ही उसके साथ लगा रहेगा, हर रोज जो भी जमा पूंजी उस पर लगती रहेगी। तो इस तरह से कि सुख समृद्धि और शांति सब किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर डिपेंड करते हैं। कहा भी गया है कि स्वस्थ काया एक माया से बढ़कर है,
निरोगी काया माया से बढ़कर है। स्वस्थ ही व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पर पोषक आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, अपना वॉक पे जाना चाहिए, जिससे उसकी जो शारीरिक क्षमता है, एनर्जी है, वो बनी रहे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में शुरू की गई, जिसमें ये स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें जनता की भलाई के लिए सरकारी सुविधाएं दी, सभी समय समय पर कैंप लगाए गए, शिविर लगाए गए, अस्पताल खोले गए, स्कूलों में टीकाकरण होता है, पोलियो का अभियान आंगनवाड़ी वगैरह में होता है, किस लिए, ताकि सब सुरक्षित रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चे कभी बीमार ना पड़े, किसी भी तरह की कभी भी महामारी फैलती है तो सरकार हमसे पहले सतर्क होती है, उसके लिए इलाज ढूंढती है, उसका लोगों तक उसका संभव बनाती है, उसकी पहुंच को, स्वच्छ जल, शुद्ध भोजन और पौष्टिक आहार, सफाई और स्वच्छता एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जिसका इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी और सरकार कर रही है। हर जगह पर अस्पताल खुले हुए हैं, स्वाद पानी की व्यवस्था है, सभी के घरों में पहुंचता है, पौष्टिक आहार की सुविधा इंसान खुद जुटाता है, उसकी आय में के साथ दी जाती है, ताकि वो अपने लिए भोजन जुटा सके, बेसिक नीड से ही। और 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिसंरचना योजना चलाई गई है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, जिसका लाभ सभी देश के लोगों को मिलता है। उसके बाद अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना हुई है, अच्छे स्कूल कॉलेज के साथ साथ मेडिकल कॉलेज खोले गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर मिल सके, हर एक शरीर के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, डेंटिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, अपने स्टोमच स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के हैं, लीवर के हैं, जिस तरह से भी हमारे कोई भी ब्रेन के हैं, कोई भी पार्ट्स ऐसा स्पेशलिस्ट उसके, ऐसे कॉलेज खोले गए हैं ताकि अच्छे डॉक्टर निकले और सही इलाज किसी का भी कर सके, ताकि बीमारी का निदान होने पर व्यक्ति स्वस्थ हो सके और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सके। टीकाकरण फ्री किया जाता है, आंगनबाड़ी है, हॉस्पिटल्स है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या जिनके छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल नवजात, उनके लिए भी मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद हम कल नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन मैं भेज रही हूँ, लिख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।